In this video, I will discuss UPSC this year timetable for the mains examination 2022. तो अब द डेट है ये आपका 16 और 9 का है, फ्राइडे को है, और GS पेपर, इसमें पेपर आपका फर्स्ट होगा जो AC का होगा, और टाइमिंग रहेगी 9 to 12 एंड आफ्टरनून 2 सेशन में होगा ये फर्स्ट पेपर, ये सेकंड पेपर होगा। तो आपका उस दिन कोई पेपर नहीं है, फर्स्ट दिन कोई पेपर नहीं, देन सेकंड डे आपका इसमें गैपिंग नहीं है, संडे को ये पेपर आपका सेकंड होगा जनरल स्टडी का, जिसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी और सोसाइटी आपकी होगी। देन उसी दिन आपका थर्ड पेपर है जनरल स्टडी का पेपर, जिसमें पॉलिटी एंड IR गवर्नेंस आएगा और सिक्योरिटी आ जाएगा। देन 18 को टाइमिंग गैपिंग एक भी नहीं है, इसमें पेपर नंबर 3 जिसमें इकोनॉमिक्स एंड IR इंटरनेशनल रिलेशन आएगा। एंड जो 5th पेपर है योर एथिक्स का है, वो आपका अगले नेक्स्ट वीक है। तो आपके अकाउंट्स कौन से 16 हो गए, 17 हो गए, 18 हो गए एंड 18 हो गए, तो उसमें आपका 3 दिन में आपके 6 पेपर हो जाएंगे। फिर एक बार नेक्स्ट वीक में आपका कंपलसरी लैंग्वेज हो जाएगा। तो 18, 18, 18, 20 6 दिन आपको टाइमिंग मिला है पेपर इंडियन लैंग्वेज का, इसमें ए पेपर भी जो है कंपलसरी है इंग्लिश लैंग्वेज, और इस 22 लैंग्वेज में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी लैंग्वेज आप लेंगे। तो हिंदी जो जिस स्टेट से बिलोंग करता है वो अपने ऑप्शन चुनो। फिर देन आपका संडे, 1 डे के बाद आपका आ जाएगा संडे को आपका GS पेपर, ये ऑप्शनल पेपर 1 और 2। तो ऑप्शनल पेपर में भी गैपिंग नहीं है, संडे को देखो ऑप्शनल पेपर। अब आपको मेरा जैसे ज्योग्राफी है तो मेरा इसमें जिसका जो भी ऑप्शनल होगा एक भी गैपिंग नहीं है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको शॉर्ट नोट प्रिपेयर होना चाहिए, एक भी गैपिंग नहीं है। आपको मॉर्निंग में देना है 9, 12 और ये देना है, इसके बाद आपको 2 बजे से देना है, 2 घंटे की गैपिंग है जिसमें 9 to 5, तो आपका ये देना है। तो ये आपका हो गया UPSC, ये डेट एंड टाइमिंग हो गया जो मेन्स एग्ज़ाम लिखने वाले हैं दिस ईयर। तो दिस आर द 16, 17, 18, और फिर थोड़ा सा गैपिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 दिन और हैं जिसमें से ऑप्शनल आप कंक्लूड कर लेंगे। तो ये जो रिमेनिंग डेज बच रहे हैं 18 से 24, यहाँ पे अपना पूरा फोकस ऑप्शनल पे ही करना है। तो ये UPSC का कैलेंडर है और इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। तो ये आफ्टरनून सेशन है और ये और फर्स्ट पेपर है आपका, ऐसे हो जाएगा। फिर सेकंड पेपर नो पेपर है, सेकंड शिफ्ट में है ही नहीं। फिर इसमें फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 5, फिर कंपलसरी लैंग्वेज हो गए, 22 लैंग्वेज एक चूज करना हो गया, ये इंग्लिश पेपर हो गए कंपलसरी है, ये ऑप्शन सब्जेक्ट हो गया। तो थैंक यू वॉचिंग वीडियो, थैंक यू फॉर